हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज ऑफ द ईयर डिस्कस करेंगे जो कि एसबीआई, रेलवेज और एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जनवरी से अप्रैल तक के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो कवर करेंगे और नेक्स्ट मंथ के जो भी डेज होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डे ईयर का है वो है 9th of January। 9th of January इज सेलिब्रेटेड एज NRI डे। इसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो NRIs, जो नॉन रिटर्निंग इंडियंस बाहर रहते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए NRI डे मनाया जाता है। उसके बाद 10 जनवरी को, ठीक उसके एक दिन बाद, वर्ल्ड लैफ्टर डे मनाया जाता है। जो पहली बार वर्ल्ड लैफ्टर डे मनाया गया था वो था 10th January, इसीलिए इस डे को वर्ल्ड लैफ्टर डे के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट जनवरी ट्वेल्थ को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, और आप कंफ्यूज मत होइएगा नेशनल यूथ डे एंड इंटरनेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 12th एंड इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 12th। नेशनल यूथ डे जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये एक नेशनल डे है, ना कि इंटरनेशनल। और जो अगस्त 12th को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। सो स्टूडेंट्स, डोंट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट ऑन 15th January नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 में हमारे आर्मी चीफ KM करियप्पा ने सबसे पहले आर्मी की सब कमान संभाली थी, इसीलिए इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, 24th of January सेलिब्रेटेड एज चाइल्ड गर्ल चाइल्ड डे। जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं लड़कियों की, उसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए और गर्ल चाइल्ड के बर्थ को प्रमोट करने के लिए गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24th of January। 25th of January नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्र देश है और वोटर्स का इसके सृजन में बहुत बड़ा हाथ होता है और उन्हीं के पार्टिसिपेशन को प्रेस करने के लिए और उनके पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए वोटर्स डे मनाया जाता है 25th of January। 26th of January स्टूडेंट्स बहुत ही फेमस डे है, ये आप सबको पता ही होगा, रिपब्लिक डे है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में और इसी दिन को इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में भी मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 26th of January। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऑन 26th January रिपब्लिक डे के साथ साथ इंटरनेशनल कस्टम डे भी होता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद 30th of January इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी, जो कि नथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी 30 जनवरी को, इसीलिए इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, एक शहीद दिवस जब फांसी दी गई थी भगत सिंह को, उनको भी शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि कुछ दिन ऐसे हैं जो कि जिनके नाम सेम है लेकिन उन्हें अलग अलग डेज को सेलिब्रेट किया जाता है। और 30 जनवरी को वर्ल्ड में लेप्रोसी एडिक्शन डे के रूप में भी मनाया जाता है। स्टूडेंट, लेप्रोसी एक रोग होता है जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके जो इन कुष्ठ रोगियों से लोग घृणा करते हैं, उस चीज़ को हटाने के लिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और ताकि उनके प्रति जो द्वेष भावना है उसे हटाया जा सके और लोगों के मन में उनके प्रति संवेदना को उत्पन्न किया जा सके, इसलिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, आप फरवरी के कुछ डेज की बात कर सकते हैं। फरवरी में स्टूडेंट चार ही इंपॉर्टेंट डेज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th of Feb इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर की अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आफ्टर दैट 14 इज सेलिब्रेटेड एज वैलेंटाइन डे, युवाओं में भी काफ़ी फेमस है। आफ्टर दैट
ऑन 24th ऑफ फैब सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। एंड आफ्टर दैट द फाइनल डे ऑफ फेबररी 28th ऑफ फेबररी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे, जो कि हमारे एक साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उनके बर्थडे को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल साइंस डे किस साइंटिस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, वो थे सीवी रमन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मार्च के इंपॉर्टेंट डेज की। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट मार्च मार्च 8th इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये काफ़ी लोकप्रिय है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो लोग सोचते हैं कि औरतें आदमी से किसी भी मायने में कम है, उनके उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो जान सके कि ईच एंड एवरी फील्ड वुमेन्स आर इक्वल। एंड इसी दिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी मनाया जाता है वर्ल्ड में, ये दोनों डे एक साथ ही पड़ते हैं मार्च 8th को। स्टूडेंट्स 15th ऑफ मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए वर्ल्ड डिसेबल्ड डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और उसके उसी दिन ही वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है, कंज्यूमर्स की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर राइट डे, भारत का भी अपना एक कंज्यूमर राइट डे है और वो 15 मार्च को नहीं किसी और दिन होता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है। स्टूडेंट्स उसके बाद 15 मार्च के बाद 18 मार्च को वर्ल्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इंडिया का माना जाता है क्योंकि इसी दिन कोलकाता के अंदर इंडिया की सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को का उद्घाटन किया गया था और इसीलिए इस डे को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। 18th मार्च थी वो डेट भी, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 20th मार्च स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20th मार्च को, और वर्ल्ड स्पैरो डे मनाने का मेन कारण ये रहा क्योंकि जो हमारी हाउस स्पैरोज हैं, हाउस स्पैरोज हैं और उनके लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है, ये जो मोबाइल टावर्स की रेज होती है वो उनके लिए काफ़ी खतरनाक होती हैं उनके जीवन की, और उनके थ्रेट जो लाइफ को उनको मिल रहा था उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 20 मार्च को। आफ्टर दैट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, अवेयरनेस अबाउट द अफॉरेस्ट्रेशन एंड टू स्टॉप डिफॉरेस्ट्रेशन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है पेड़ों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि पेड़ ना काटे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएं, यह अवेयरनेस फैलाई जाती है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के थ्रू 21 मार्च को। 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वाटर, वाटर की इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं और इसी की अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वाटर का किस तरीके से वाटर को किस तरीके से सेव किया जाए और किस तरीके से वाटर को बचाया जाए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस को भी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मिल सके, और वाटर की वेस्टेज को रोकने के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। स्टूडेंट्स इसके ठीक अगले दिन 23rd ऑफ मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। आफ्टर दैट टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को, 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, इसे टीबी भी कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये बीमारी और बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हैं और इसी की अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इसका इलाज संभव है, डॉट्स एक मेडिसिन है जो प्रोवाइड की जाती है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को और इसका इलाज अब संभव हो गया है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोगों इसका इलाज करा रहे हैं और इसी की अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24th ऑफ मार्च। नाउ स्टूडेंट्स लेट डिस्कस द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ अप्रैल मंथ। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो अप्रैल का
इम्पोर्टेंट डे है वो है 5th ऑफ अप्रैल, नेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। माइन में जो लोग काम करते हैं और उनकी हेल्थ को लेकर उनके अवे उन और उनके लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाया जाता है। और इसी दिन नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है इंडिया का। आफ्टर दैट 7th ऑफ अप्रैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बिकॉज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि अच्छी सेहत के लिए क्या क्या ज़रूरी है और उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। हमारे खान पीन में जो चेंजेस लाने से हमारी सेहत अच्छी रह सकती है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसके बाद स्टूडेंट 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफिलिया डे मनाया जाता है। इसके अंदर जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर होते हैं वुमेन्स और गर्ल्स में, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। आफ्टर दैट ऑन 18th ऑफ अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, जिसके अंदर जो भी वर्ल्ड के हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उसके लिए अवेयरनेस फैलाना लोगों के में कि वो उन्हें प्रोटेक्ट रखें और उनको नुकसान ना पहुंचाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रख सकें और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें देख सके और हमारे इतिहास को जान सके। सो स्टूडेंट्स ऑन 21th ऑफ अप्रैल सेक्रेटरी डे मनाया जाता है। और इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट, तो दो डेज और बच गए हैं स्टूडेंट्स। जो इम्पोर्टेंट है वो है 22nd अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। ये अर्थ डे सेलिब्रेट होता है 22 अप्रैल को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है और डिफरेंट SSC एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। और 23rd ऑफ अप्रैल इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वो बुक्स और कॉपीराइट डे मनाया जाता है इस दिन पूरे वर्ल्ड में। सो स्टूडेंट्स ये थे जनवरी से लेकर अप्रैल तक कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, और मैं आगे के मंथ्स के इम्पोर्टेंट डेज की वीडियोस जल्दी अपलोड करूँगा। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज विच इज़ बुक बॉम्ब्स ऑफ SSC टू गेट द फ्यूचर अपडेट्स। सो स्टूडेंट्स गुड लक एंड गुड बाय।